एक बार की बात है, एक बाप और एक बेटे स्कूटर पे कहीं जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नज़र पड़ती है रोड साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी पिता जो बाप होता है वो अपना स्कूटर रोकता है और जाकर के उन लड़कों से पूछता है कि बेटा यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ सामने सोने का फल रखा है, हम इसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर पिता का ध्यान जाता है उस सोने के फल के ऊपर कि फल तभी चमक रहा होता है। फिर उनके मन में कुछ इमेजेस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है मेरे बेटे के पास आ जाए ना, तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि मेरी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देता है उस कीचड़ में और बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को यह बात समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी तो कहीं और है। तब बेटा कहता है कि पापा मेरे कुछ और ही सपने हैं। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं, वो उसको धक्का मार देते हैं उस कीचड़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुझे वो फल ले करके आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह वो सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन वो जैसे जैसे हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए वो और नीचे धंसने लग जाता है। फिर जाकर उसको समझ में आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये तो दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि बहाने मत बनाओ, वहाँ पे और भी लोग हैं, पर वो जो कर रहे हैं जब वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो वो फिर से एक बार कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो वहीं बैठकर वो रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो भी कुछ किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है कि जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया है, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहाँ पर कोई फल है भी या नहीं। यह सुनकर उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि आपको सामने फल दिख रहा है या फिर नहीं। तब वो साधु उसी कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करता है और बोलता है कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो फल की परछाई है, असली फल वहाँ उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे